त्याज्यं दोषवदित्येके कर्मप्राहोर्मणिषिडः यज्ञदानतपः कर्म त्याज्यमिति च परे प्रे दर्शकों नमस्कार एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में आज चर्चा करने वाला हूँ कल मैंने चर्चा की थी पंचम भाव के शनि के ऊपर जो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसे देखा भी और पसंद भी किया और अच्छा लगा कि आप लोग कम से कम कार्यक्रम लिख देखते समय जैसे कृष्णा कृष्णावशन लिख रहे हैं हमें भी मुझे पता है आप लोग लिखते ही होंगे शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम कहने जाना है आज के विषय में आपको बताऊं तो आज चर्चा करने वाला हूँ आपके सामने अर्थ त्रिकोण को लेकर के जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक विषय बनाया था धर्म त्रिकोण जिसे लग्न पंचम और नवम भाव को ये तीनों जो भाव होते हैं इन्हें त्रिकोण कहा गया है और इनसे धर्म की व्याख्या की जाती है अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में आप लग्न पंचम और नवम भाव को मजबूत देख रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की कुंडली में और उस व्यक्ति के जीवन में धर्म की कितनी उपयोगिता है और उसने कितनी उसको सिद्ध कर रखी है ठीक उसी तरीके से अगर आप जन्म कुंडली के दूसरे छठवें और दसवें भाव को अगर मजबूत देख रहे हैं या किसी भी तरीके से अगर वो बहुत ही वेल एस्टैब्लिश बन रहा है तो आप ये बात कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता कितनी मजबूती से पैठ बना करके बैठी है या ये, ये कह सकते हैं कि जन्म कुंडली का दूसरा छठा और दसवा भाव अगर बहुत ज़्यादा प्रबुद्ध होकर के बैठा है तो ये बात कही जा सकती है कि व्यक्ति की कुंडली में व्यक्ति के जीवन में धर्म के साथ साथ आप

पर आराम से बैठ करके सुनिए हो सके तो इसे आप डबल स्पीड पे कर लीजिए तो जन्म कुंडली के दसम स्थान को जन्म कुंडली का सबसे मजबूत भाव कहा जाता है केंद्र वैसे मजबूत भावों में त्रिकोण में सबसे बलवान नवम भाव होता है उसकी शक्ति ज्यादा होती है स्ट्रेंथ उसके पास अब ये कैसे ज्यादा होती है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई ग्रह लग्न में मजबूत होकर के बैठा है और कोई ग्रह अगर पंचम में मजबूत होकर के बैठा है और ठीक उसी तरीके से अगर कोई ग्रह नवम भाव में मजबूत होकर के बैठा है तो आप ये कह सकते हैं कि जो उस ग्रह का फल होगा वो नवम भाव में ज़्यादा मजबूती से निकल करके आएगा मतलब तो उस व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता ज़्यादा रहेगी अगर वो लग्न में मजबूत होकर के कोई ग्रह बैठा है और 50 प्रतिशत परिणाम दे रहा है और अगर नवम भाव में कोई ग्रह बैठा है थोड़ा कमजोर भी होकर के बैठा है तो नवम भाव में होने के कारण उसकी मजबूती बढ़ जाएगी क्लियर है ठीक उसी तरीके से केंद्र के घरों में लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम इन भावों में दशम स्थान सबसे ज्यादा बलवान कहा जाता है और वो बलवान होता है वहां पे कोई भी ग्रह बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो करके परिणाम देते हैं और हाईली प्रोडक्टिव होते हैं कने का अब चर्चा ये है कि जन्म कुंडली का दूसरा जन्म कुंडली का दसवा और जन्म कुंडली का छठा भाव अगर आप गौर से देखें तो दूसरा भाव और छठा भाव एक दूसरे से नौ पांच के संबंध में आते हैं ठीक उसी तरीके से दूसरा भाव से दसवां भाव नवम पंचम के संबंध में जाता है मतलब दसवें स्थान से गिनने पे दूसरा भाव पांचवा है और दूसरे स्थान से गिनने पे दसवां भाव नवा है ठीक उसी तरीके से छठवें भाव से पांच घर आगे गिनने पे दसवां भाव आता है और दसवें भाव से नौ घर आगे गिनने पर छठा भाव आता है इन का संबंध त्रिकोणों का होता है मतलब ये परस्पर त्रिकोण के संबंध कहे जाते हैं जो ग्रह या जो भाव एक दूसरे से नवम पंचम में होते हैं तो इसके ही कारण चूंकि ज्योतिष में जो केंद्र का संबंध होता है और ज्योतिष में जो नवम पंचम का संबंध होता है ये बड़ा विस्तार वाला होता है इसे काफी व्यापक कहा जाता है अगर कोई भी ग्रह कोई भी भाव से तीन घर आगे बैठा तो उसका एक अलग मतलब निकलेगा और अगर कोई ग्रह अपने किसी एक भाव से नौ घर आगे बैठा तो उसका एक अलग विस्तार दिखेगा कहने का अर्थ है कि ये दोनों ही चीजें बहुत ही व्यापकता को लेकर के अपने आप में समाहित होती हैं। तात्पर्य यह भी है कि कोई भी ग्रह अपने भाव से कहाँ बैठा और कोई भी ग्रह किसी भी भाव से कहाँ बैठा ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होता है जैसे अगर कोई भी ग्रह अपने भाव से नौ घर आगे बैठेगा इसका अर्थ है कि वो बड़ा अच्छा है ठीक उसी तरीके से अगर कोई भी ग्रह अपने भाव से चार घर आगे बैठा यह भी बड़ा अच्छा है कोई भी ग्रह अपने भाव से तीन घर आगे बैठा यह भी अच्छा है पर अच्छाई के क्रम में नौ घर आगे बैठा ग्रह अच्छा कहा जाएगा पांच घर आगे बैठा ग्रह उसे थोड़ा अच्छा कहा जाएगा और तीन घर आगे बैठा ग्रह थोड़ा अच्छा कहा जाएगा और चार घर आगे बैठा ग्रह थोड़ा अच्छा कहा जाएगा आप इसको ऐसे समझिए सौ अगर नौ घर आगे बैठा तो सौ बलवान है अगर पांच घर आगे बैठा तो पचहत्तर बलवान है अगर चार घर आगे बैठा तो पचास बलवान है और अगर तीन घर आगे बैठा तो पच्चीस बलवान है अब ये कैटेगराइजेशन पापग्रह और शुभ ग्रहों में ज्यादा आता है जैसे अगर कोई पापग्रह अपने घर से तीन घर आगे बैठेगा तो वो निसंदेह बहुत ज्यादा बलवान होकर के साहस की वृद्धि करता है क्लियर है अगर किसी भी भाव के अधिपति शनि मंगल बने हैं तो वो अगर उस भाव से तीन घर आगे बैठे हैं इसका अर्थ होगा कि वो ग्रह बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन में जाएगा मतलब मजबूती होगी और वो ज़्यादा परिणाम देगा एक्सट्रैक्ट करेगा खोजेगा खींचेगा और ठीक अगर कोई शुभ ग्रह है और अपने घर से चार घर आगे बैठा है तो इसका अर्थ है कि वो ज़्यादा बलवान होकर के उसका सुख देगा मतलब शुभ ग्रह अपने भाव से चार घर आगे बैठे हों तो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और अगर कोई पापाग्रह अपने घर से तीन घर एक्टिव हो आगे तो वो ज़्यादा एक्टिव होता है ये स्पष्ट मैंने यहां तक की अब इसको और भी गंभीरता से समझने की बात है कि कोई भी ग्रह जो द्वितीय भाव का अधिपति है अगर कोई भी ग्रह जो छठे भाव का अधिपति है और अगर कोई भी ग्रह जो दशम दशम स्थान स्थान का अधिपति है दशमस्थान पे जब चर्चा चलेगी तो आपको चतुर्थ स्थान पे भी आना होगा क्यों अगर आप छठवें भाव की चर्चा करेंगे तो आपको बारहवें स्थान पे आना होगा और अगर आप द्वितीय भाव पे चर्चा कर रहे हैं तो आपको आठवें स्थान पर आना होगा इसका कारण है क्योंकि जन्म कुंडली का चौथा भाव सुख का होता है और उसके ठीक दसवें घर या सात घर आगे जो दसवां भाव होता है वो उसका पूरक भाव होता है इस वजह से वो उसका सुख क्षेत्र भी कहा जाता है जैसे मैंने अपने कई बार कार्यक्रम में ये बात कही है कि, कि किसी भी भाव का चौथा भाव उस भाव का सुख होता है तो ठीक उस भाव का सातवां भाव उसका पूरक क्षेत्र होता है मतलब वो पैरलली काम करते हैं अगर यह कमजोर है तो यह भी कमजोर है अगर यह मजबूत है तो यह भी मजबूत है यह बात तो स्पष्ट है तो कहने का अर्थ है कि अगर दशम भाव की चर्चा करेंगे तो आपको चौथे भाव पे इसलिए आना होगा क्योंकि वो सुख का पूरक है दशम स्थान का पूरक है अब इसको ऐसे समझते कुंडली के दशम स्थान से विस्तारवादी नीतियों का विचार किया जाता है क्लियर है right? जन्म कुंडली के दशम स्थान से विस्तारवादी नीतियों का विचार किया जाता है जिस नीति से समाज का बड़ा वर्ग प्रभावित होता है कोई दिक्कत नहीं है और जन्म कुंडली के चौथे भाव से उसका संबंध ना चाहते हुए भी इसलिए बन जाता है किसी भी कुंडली में क्योंकि वो आपका छोटा समाज है जहाँ वहाँ पे संकुचित और छोटे विस्तारवादी विचारों से प्रेरित होकर के आप अपने परिवार का पोषण करते हैं वहां आपके निर्णय से आपका परिवार प्रभावित होता है और दशम स्थान के निर्णय से आपका पूरा समाज और आप पूरे तरीके से समाज से प्रभावित होते हैं अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में दशम स्थान मजबूत है मतलब हालांकि दशम स्थान में पाप ग्रह का बैठना बड़ा व्यापक और बड़ा विस्तार दे देता है और व्यक्ति को बड़ा ही मजबूत और प्रबुद्ध बना देता है चाहे राजनीति हो चाहे करियर वाला क्षेत्र हो तो अगर किसी भी जातक की कुंडली में दशम स्थान में कोई ग्रह उच्च का बैठा अब ये मेन बात है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में दशम स्थान बहुत उच्च होकर के बैठा है वहां कोई दिग्गली ग्रह बैठा है जैसे सूर्य जैसे मंगल जैसे शनि अगर कोई वहां पे पाप ग्रह होकर के या दिग्बली ग्रह बैठा है उस पर किसी एक अन्य शुभ ग्रह गुरु शुक्र बुद्ध और चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाती है या उस पर उस ग्रह का अधिपति ही उसे देख लेता है तो कहने का सीधा अर्थ होगा हो कि अब जातक के जीवन में धर्म के साथ कर्म जुड़ेगा कर्म के साथ धर्म जुड़ेगा पर धर्म थोड़ा कम होगा अर्थ थोड़ा ज्यादा होगा अब उसकी जो व्यापकता होगी विचारों की वो अर्थ के पीछे ज्यादा भागेंगी क्योंकि वो धन भाव का नमा भाव का है तो धर्म में जुड़ जाएगा कर्म धर्म की व्यापकता उस व्यक्ति के जीवन में थोड़ी कम होगी अब वो धन कमाने के लिए हो सकता है कि थोड़ा मैनेज करे अपने शास्त्रों से अपने धर्म से अपनी बौद्धिकता से अपने, अपने मोरालिटी से थोड़ा वो ऐसा हो सकता है कि नहीं मुझे धन चाहिए और उसकी आवश्यकता है क्योंकि निश्चित रूप से इस कली काल में धर्म से ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है धन अर्थ है तो इसलिए जिस व्यक्ति की कुंडली में दशम स्थान बहुत मजबूत और स्थिति में मजबूत करके अपने आप को बैठा है उस व्यक्ति के जीवन का अर्थ पक्ष मजबूत होगा और उसके जीवन में अब अब जैसे इसको अंतर स्पष्ट करते हैं जैसे अगर आप इस कार्यक्रम की तुलना में उस कार्यक्रम को रखते हैं जहां मैंने अभी थोड़े दिन पहले धर्म त्रिकोण की चर्चा की थी अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न बलवान है और किसी व्यक्ति की कुंडली में दशम भाव बलवान है तो अंतर क्या होगा तो अंतर यह होगा कि जिस व्यक्ति की कुंडली में धर्म पक्ष बलवान हो या यानी कि लग्न पक्ष बलवान है उस व्यक्ति के जीवन में धर्म ज्यादा होगा और जिस व्यक्ति की कुंडली में लग्न क्षेत्र कमजोर है और दशम क्षेत्र बलवान है उस व्यक्ति के जीवन में अर्थ क्षेत्र मजबूत होगा वो अर्थ के पीछे पीछे, पीछे भागने वाला होगा बिल्कुल स्पष्ट है और ठीक उसको मजबूती और भी तब मिल जाएगी जब उसका द्वितीय भाव भी बलवान होगा और इस बात की स्थिति और भी ज्यादा हो जाएगी जब उसकी जन्म कुंडली का छठा भाव बलवान होगा क्योंकि धन का वो पांचवा है और छठा भाव से पांचवा दसवां भाव होता है तो अगर ये तीन भाव जिस व्यक्ति की कुंडली में मजबूत होंगे वो धनवादी होगा भौतिकवादी होगा आर्थिक पक्ष उसका सुदृढ़ होता है मानसिक पक्ष से ज्यादा धार्मिक पक्ष से ज्यादा उसका दिमाग हर बार धन के पीछे भागेगा मतलब अब वो पोलाइटली बिहेवियर अगर करेगा तो इसलिए नहीं करेगा कि उसके जीवन में धर्म ज्यादा समाहित है क्योंकि वो धार्मिक है अगर वो किसी के साथ बहुत ही ज्यादा नर्चर करके अपने संबंधों को नया प्रारूप दे रहा है तो उसके पीछे का केंद्र ये होगा कि वो आर्थिक रूप से मजबूत ज्यादा होना चाहता है बात समझ में आ रही होगी मैं जो कह रहा हूँ ये बहुत समझने की बात है और बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझने की बात है कहने का अर्थ है कि अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में अब छठे भाव पे आते हैं तो जिस व्यक्ति की कुंडली में छठा भाव बलवान है वो अपने जीवन में धन को लेकर के अपने जीवन में अर्थ को लेकर के अपने जीवन में व्यवहारिकता को लेकर के अपने जीवन में चुनौती को लेकर के कितना एक्टिव है या वो कितना उस चीज़ को लेकर के रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानता है या वो उस चीज़ को लेकर के कितना टारगेटेड है दूसरों के द्वारा नहीं वो खुद के जीवन में धन को कितना टारगेट में रखा है उसके जीवन में चुनौतियां उस वो कितना स्वीकार करता है उनके साथ उसके संबंध कैसे बनते हैं और वो उन चुनौतियों को किस दृष्टिकोण से देखता है अब इसको अगर स्पष्ट करेंगे तो आप इसको व्यापकता में ऐसे देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में छठा भाव बलवान होगा वो अपने जीवन में आने वाली तमाम परिस्थितियों से लड़ करके डट करके मुकाबला करके जीतने वाला होता है और अगर जन्म और उस जन्मकुंड उसके जीवन में आने वाली जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं वो उसको साहस के साथ उसका सामना करता है लेकिन अगर जन्म कुंडली का छठा भाव बलवान नहीं है कमजोर है वहां कोई नीच का ग्रह बैठा है वहां पे शत्रु की दृष्टि है वहां पे कोई अच्छा नहीं ग्रह बैठा है कोई अस्त ग्रह बैठा है कोई विकल होकर के बैठा है उस भाव का अधिपति अस्त है उस भाव में बैठा ग्रह मृत प्राय है उस भाव में कोई वक्री ग्रह बैठ गया तो कहने का अर्थ होगा कि अब उस व्यक्ति के जीवन का जो छठा भाव है यानी कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसकी क्षमता है भागने की दौड़ने की जो सहने की क्षमता है अब वो कमज़ोर होगी और वो जल्दी ही हताश होगा और जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की चुनौतियों से वो जल्दी ही थक जाता है चूर हो जाता है इसको बल देने के लिए आपको कम से कम किसी ऐसे प्लेनेट को चुनना चाहिए कि इन तीनों ही भावों में से किसके पास बल ज्यादा है मतलब दशम स्थान पे शुभ ग्रह की दृष्टि है ज्यादा या फिर छठे स्थान पे शुभ ग्रह की दृष्टि ज्यादा है या द्वितीय स्थान पे शुभ ग्रह की दृष्टि ज्यादा है या दशम स्थान के अधिपति दशम में बैठे हैं या छठे स्थान के अधिपति छठे में बैठे हैं या द्वितीय स्थान के अधिपति द्वितीय में बैठे हैं अगर तीनों में से जो भाव बलवान बन रहा है ज्यादा जिसको ज्यादा अंक मिल रहे हैं उस भाव के अधिपति की आराधना करनी चाहिए धन क्षेत्र हमारे जीवन का बड़ा व्यापक और विस्तार वाला क्षेत्र होता है आपका एक काम नहीं बनेगा घर से बाहर निकलते हैं तो यहां तक कि कई बार आपके विचार भी आपके धन से प्रभावित हो जाते हैं ऐसा है आपके विचार भी आपके धन से प्रभावित होते हैं और इसीलिए कई बार उसे यह कह दिया जाता है कि ये व्यक्ति धनवादी है भौतिकवादी है और ये व्यक्ति अध्यात्मिक चिंतन वाला है या फिर पारलौकिक सुखों के पीछे भागने वाला है ये विस्तार भी धन ही देता है और ये जो एक दृष्टिकोण होता है वह भी धन से ही घूम करके आता है तो जिस व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव बलवान नहीं है जिस व्यक्ति की कुंडली में छठा भाव बलवान नहीं है जिस व्यक्ति की कुंडली में दशम स्थान बलवान नहीं है उसकी व्यापकता संकीर्ण होती है उसका धन क्षेत्र रुग्ण होता है उसकी जो विचारधारा है धन को लेकर के वो थोड़ी संक्रमित होती है क्लियर है समझ गए होंगे आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं गीता जी के अठारहवें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने यज्ञ दान और तप यज्ञ दान और तप ये जो तीनों कर्म हैं इनके बारे में बात कही है कि कुछ विद्वान कर्म को दोष समझते हैं और वो ये कहते हैं कि कर्म दोष होता है इस वजह से ना करो यज्ञ अगर कोई है तो कोई ये कहता है कि यज्ञ कर्म क्या है आपके द्वारा किया गया यज्ञ यज्ञ क्या है आपके द्वारा किया गया कर्म तो कहने का अर्थ है कि इसमें विभिन्न प्रकार के महात्माओं और व्यक्तियों की बात उसके इस बात पर निर्भर करेगी कि वो किसी भी चीज को किस दृष्टि से देख रहा है यज्ञ को किस दृष्टि से देख रहा है दान को किस दृष्टि से देख रहा है तप को किस दृष्टि से देख रहा है वो कभी किसी में लिप्त नहीं है कोई उसी में लिप्त है और कोई दोनों के बीच में संतुलन बना करके चल रहा है ये ये बात अभी आगे, आगे और भी स्पष्ट होगी पर जैसे जो बात लिखी है मैं वही आपको बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना इधर उधर भटकूंगा आप गड़बड़ हो जाएंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए कल फिर से उपस्थित होंगे ये फिलहाल मैंने बात करी अर्थ त्रिकोण के बारे में जहां से कुंडली के अर्थ क्षेत्र को देखा जाता है तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार